नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा मुझे भूख लगी और फिर कॉलेज भी जाना है। रेवा इतनी बड़ी हो गई हो, दो पराठे तो बना सकती हो ना? आटा ऑलरेडी गूंथ के रखा हुआ है किचन में। तुम्हारी माँ नया नौकर लेके आई है, उसे कहो पराठा बनाएगा। पंडित जी है ना, उनका दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम शरद है, इसको काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारे पापा से बात करके इसको यहाँ ले आई। मुझे भी हेल्प हो जाएगा ना, इतने कम पैसे में भला नौकर मिलता है क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मा, सुन रहा है वो आप ही ना? बेटा वो सुन नहीं सकता, गूंगा और बहरा है। सरिता जरा रूम में आओ तो। हाँ हाँ जाइए जाइए, पर याद रखिए मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, नाश्ता चाहिए। ये लो दो चाय बना देना, किचन उधर है। कुछ नहीं देखते हैं कि कौन खड़ा है। बच्चे भी थे वहां पर। ये क्या कर रहे हैं, अभी तो मंदिर से आए। अरे भगवान को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है, तो इसमें भगवान को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? महंगी लिपस्टिक है मेरी, खराब हो जाएगी। और यू नो साड़ी का पल्लू भी बड़ी मुश्किल से सेट किया। तुम भगवान के लिए सस्ती सवरती है, मेरे लिए दरवाजा तो बंद कर लो। अरे कोई नहीं आएगा, अरे बाप ने कमरे में। शरद तो है, भूल गए क्या? बोल नहीं सकता है पर देख तो सकता है ना। तुम ये अलग मुसीबत घर में ले आई हो।
रही हूँ। अच्छे से ठीक ही आया होगा मीम साहब, वैसी भी ये चौथी बार है और मुझे देर हो रही है। अग्रवाल क्या था, देर नहीं होती है तुझे, बड़े बहाने बना रही है। चल जाना है तो जा। अच्छा सुन, जाने से पहले जरा देख रेवा ने जूस पिया कि नहीं। जी मीम साहब। घटिया ड्रिंक बनाई है तुमने, ये दूसरी बना। चल रहा है बस, तुम्हारी याद आ रही थी। लड़का मिला क्या? He irritates me. जब भी घर पे रहती हूँ मुझे घूरता है, मेरे पीछे पीछे आता है और मेरे कमरे के बाहर मंडराता है। तू एक बार उस बेचारे की शक्ल तो देख, गूंगा और बहरा है बेचारा। हमारे आसपास इसलिए रहता है ताकि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, और अगर हम उसे आवाज देंगे तो सुनेगा क्या? पर क्यों पाल रहे हो ऐसी मुसीबत? अच्छा एक काम करते, एक महीना लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओके है, अदरवाइज मैं खुद उसे निकाल दूंगी।
ओके ठीक है, पर समझा दीजिए इसे कि ना ही मेरे कमरे में आए और मुझसे दूर रहे। ओके, मैं समझा दूंगी। इसको क्या हुआ? पारुल जी बेबी, ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें ये कलर पसंद आया था ना? मेरे लिए? बहुत प्यारा है। अच्छा सुनो ना। हाँ। ये शरद, मम्मी ने कुछ बताया क्या इसके बारे में? तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पता नहीं क्यों मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। देखो बेबी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 साल से सरिता भाभी के यहाँ काम कर रही हूँ मैं। अगर कभी कुछ गलत किया हो या बोला हो तो, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि ये जो शरद लड़का है ना, इसकी नीयत जरा भी ठीक नहीं है। अच्छा मेरा एक काम करोगी प्लीज? जी बेबी। इस लड़के पे ना नजर रखना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, करोगी ना? जी बेबी। अब दिन भर फोन पे चिपके हुए रहते हो, खाना खा लो उसके बाद लेना। क्या है? कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे फोन से हाथ मत लगाना? एक बार मैं बात समझ में नहीं आती है? ये फोन मैं तुम्हारी तरह रील्स और वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, काम होता है इस पे, बिजनेस करता हूं मैं। इस घर में पैसे आते हैं जिससे तुम ये महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहन सको, समझे तुम? खाना। ए लड़के, मेरा ड्रिंक रेडी कर। बकवास बंद करो, दिमाग खराब करके रख दिया है। एक तो वैसे काम का इतना टेंशन है, ऊपर से तुम्हारा नाटक। तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं कर सकती हूँ? ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में?
कहीं तो मेरे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। चक्कर चक्कर चक्कर, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई तुम्हारी? प्राइवेसी के बारे में जानती हो ना? पापा क्या कर रहे हो आप? आपने मम्मा पर हाथ उठाया? मम्मा मम्मा जाओ। काम ठीक से नहीं कर सकता, पता नहीं कहां से उठा के लाइए तुझे। अडालिंग, अरे बस कुछ नहीं, बस तो वही मिस कर रहा था। अच्छा सुनो, वो होटल की बुकिंग हो गई है, मैं तुम्हें डिटेल्स टेक्स्ट करता हूं। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा घर में बिजी था। और बताओ क्या चल रहा है? मैं भी मिस कर रहा हूं तुम्हें, आई लव यू टू। पैसे वाली पार्टी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बात बोलो क्या, बुरा नहीं मानना, छोटा मुंह बड़ी बात। हिंसा, वो जो लड़का है ना शरद, उसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी।
मतलब मैंने इतने घरों में काम किया है, इतने लोगों से पाला पड़ा है मेरा, पर उसके मन में ना जरूर कोई खोट है। मीम साहब उसकी नजर, अरे ऐसे देखता है जैसे कि अभी खा जाएगा। गूंगा है वो, चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा तो क्या तुझे आवाज देगा? रेवा को भी यही बात समझाई मैंने, अगर वो हमारे आसपास खड़ा रहता है इसका मतलब है अगर हमें कुछ काम है तो हम उसे इशारे से समझा सकते हैं। अगर कोई कोना पकड़ के बैठ जाएगा तो किस काम का? आई बात समझ में? हाँ बात तो सही कही आपने। सरिता, मैं दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। कल सुबह हरीश भैया आ रहे हैं, उनका कुछ काम है शहर में तो वो यहीं पे रोकेंगे, ठीक है? काम हो जाएगा। वक्त आ गया अब मकसद को अंजाम देने का। क्या आराम से बात करूं? बहरा है ये, क्या फर्क पड़ता है इसे? बहरा है लेकिन देख सकता है, तुम्हारे गुस्से को समझ सकता है, फीलिंग को पहचान सकता है। अब इसकी साइड ले रहे हो? जरा पूछो इससे कि क्या करा था मेरे कमरे में। देखा, तू जबरदस्ती इस बेचारे पे भड़क रही है। मैंने कहा था इसको डस्टिंग करने के लिए। तो मम्मा मेरे कमरे में भेजने से पहले एक बार चेक तो कर लिया करो। मैं नहा रही थी, वो तो अच्छा है बाथरूम पहना था, जैसे ही बाहर आई मेरे कपड़े इसके हाथों में थे। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो इसे घर से निकाल देती। मैंने आपसे पहले ही कहा था मीम साहब, ये लड़का सही नहीं।
तू काम कर, मैं देखती हूँ। कमीना घूरता रहता है, इसे लगता है कि साले की आंखें ही नोच लूं। मुझे निकलवाएगी, मेरे और रेवा के बीच में आएगी, तुझे तो मैं बताऊंगा। सरिता, नया नौकर रख लिया? जी भाई साहब, आप रेवा अपनी स्टडी में बिजी रहती है, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। घर बहुत बड़ा है ना, तो काम तो निकलते रहते हैं। बस देख रहे हैं, अगर नहीं जमा तो निकाल भी सकते हैं। आप लीजिए ना, सफर से आए हैं, काफी थक गए होंगे, फ्रेश हो जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ फ्रेश होके। इस तरफ। शरद, ध्यान दो, पारुल को शक हो गया है तुम्हारे ऊपर। मुझे पैसे चाहिए, गांव भेजने बाबा के पास। पिछले हफ्ते ही तो दिए थे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पता है, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, स्कूल में बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला था। सोचो, अगर तुम्हारे घर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे जाए, तुम्हारे प्लान का क्या होगा? आ गया ना अपनी औकात पे, जिस काम के लिए लाई हूं ना तुझे, उसे पूरा कर, समझा? समय नहीं है मेरे पास, उस चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से फेमस करूंगी ना कि वो याद रखेगी, मेरी जगह लेना चाहती है सरिता की। सरिता चीज क्या है उसे पता चलेगा। मेरे धोखेबाज पति की जिंदगी से इस कदर निकालूंगी ना कि याद रखेगी। तेरा पति प्यार से डार्लिंग बुलाता है उसे, इतना तो मैंने बता ही दिया, बाकी उसका असली नाम और नंबर बहुत जल्द मिल जाएगा, बस पैसे तैयार रखना। दूर हटके नाश्ता रखा करो। सरिता, कहां से आया ये लड़का? मेरा मतलब है किसके रेफरेंस से? जी भाई साहब, वो पंडित जी है ना, उनके रिश्तेदार हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे ही रेवा के पापा आएंगे तो शरद को निकाल दूंगी। बड़े पापा, ये लड़का Thank you.
सरिता, एक जवान लड़की है घर में, तुम दोनों ऐसे शख्स को उठा ले आए जिसे तुम जानती तक नहीं। जानती ना भाई साहब, पर आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? वो गुंगा और बहरा है क्या? कल से 3 दिन नहीं आऊंगी। क्या? हाँ, मैं गांव जा रही हूँ। तूने ही कहा था ना कि शरद को नौकरी से मैं हटा दूँ। आप 3 दिन तक उसे रख लीजिए ना, उसके बाद मैं वापस आ ही रही हूँ। ठीक है, चले जा। लेकिन 3 दिन से अगर 1 दिन भी ऊपर लगा है ना, तो तेरी पगार में से काटूंगी। जी मैम साहब। किसे पता तुम्हारी जरूरत 3 दिन के बाद रहती भी है या नहीं। बस मेरा पति वापस आ जाए, फिर सारा खेल खत्म। यार, 2 दिन बिताए तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सीरियसली बहुत मजा आया। अब सुनो, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। मम्मा! यही हूँ रूम में। मम्मा, मम्मा वो क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मा, मैंने पापा को रेस्टोरेंट में देखा, वो भी एक लड़की के साथ। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ मम्मा, आप सुन नहीं रहे हो, मैं कह रही हूँ कि पापा। तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी बेटा। पापा रेस्टोरेंट में थे एक औरत के साथ, उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। आप समझ रहे हो ना? लो आ गए पापा। किसके साथ थे आप रेस्टोरेंट में? कौन थी वो, बोलिए। क्या बदतमीजी है?
क्या बदतमीजी है? तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये संस्कार दिए तुमने इसे? बाप का कॉलर पकड़ रही है और तुम अभी अपने कमरे में जाओगी और बैठोगी और आगे से इस घर में मुझे ऊंची आवाज सुनाई ना दे, समझे? लेके जाओ उसे। आओ। मजा आ गया पंकज। एक एक पैक और, एक पैक मैं बनाता हूँ। अरे पंकज, बर्फ तो खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, मर गया ये लड़का। शरद, शरद। पंकज बह रहा है वो। अरे भूल गया क्या? रुको मैं जाता हूँ, तुम दूसरी बोतल खोलो। अरे पंकज बैठो, तुम मैं देख कर आता हूँ, बैठो तुम। झक मार रहा था बे, तुझे बोला था ना कि कमरे के पास में ही रहना, समझ में नहीं आता तेरे को? क्या घूर रहा है बे? क्या घूर रहा है? आंखें नीचे कर। मैंने कहा आंखें नीची कर और अपनी औकात में रहना, समझा? और अगर तुझे काम नहीं करना है ना, निकल यहां से। अभी भी घूर रहा है, रुक तेरी चप्पल निकालता हूं साले। घूरते हुए घूर रहा है मुझे। तो मुझे तू बुलाया मेरी रीवा को? हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। अरे पंकज पता नहीं। तुम्हें रुलाने वाला कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हारे उस जालिम बाप को मार दिया। हमारे पापा। मिस्टर पंकज और मिस्टर हरीश वर्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मौके वारदात पर हमें आपके घर का नौकर ये शरद वहां मिला, जिसके हाथ में वही चाकू था जो इसने हमले में यूज किया, इसलिए हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने कॉल करके हमें बुला लिया, वरना आपकी भी जान जा सकती थी। कत्ल करके भागने का इरादा तो इसी का था। ये चुड़ैल के पास जाने वाला था और मैं अपनी रेवा को रोते हुए नहीं देख सकता।
इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम तो घूम गए थे ना। वहां सुबह एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे नहीं पता था कि शरद मेरे पति को मार डालेगा, पर जिस तरह से शरद रेवा में उलझता गया, अंजाम तो यही होना था। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। इस शरद ने तो सारा का सारा काम ही आसान कर दिया। मुझे मेरे घटिया पति से तो छुटकारा मिला ही, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी।